क्या देखते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आप एक्चुअली इसके बारे में मैं स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठीक है ठहराएंगे, क्योंकि 2001 साल से हम कांग्रेस और हमारा जितना उस जमाने में एली था TUGS या INPT सबको डिमांड था कि ये लैंग्वेज चालू करने के लिए पहले स्क्रिप्ट तय होना चाहिए। स्क्रिप्ट ये बंगाली होगा क्या, रोमान होगा क्या, देवनागरी होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट को पहले डिसाइड करना पड़ता है। तो हम लोग बराबर बोल के आया है कि रोमान हरफ में हम ककबरक होने से हमको ये सुविधा, ये यहाँ का जो इंडिजीनियस लोगों के लिए ये चाहिए। तो हम लोगों ने भी उसके पक्ष में था। रीजनल पार्टी यहाँ पे जितना था वो भी रोमान हरफ की मांग कर रहे थे, और भाषा कमीशन यहाँ पे जो हुआ उसका भी रिकमेंडेशन था रोमान। तो ये गवर्नमेंट अगर रोमान हरफ को तय कर लेते तो अभी इसको लेके कोई सवाल नहीं उठता। क्या हो गया कि अभी जो डिमांड आ रहा है तो उसके बारे में तो पहले सरकार को कौन सा स्क्रिप्ट में ये चालू होगा उसके बारे में उनको डिसाइड करना चाहिए, वो डिसाइड हो जाता। ये लोग चाहते हैं, पहले बोला कि हम देवनागरी में ये करेंगे, उसका जो ये ट्राइबल लीडर है, पहले जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर थे रामपद जमाती, उन्होंने देवनागरी भाषा को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहा, लेकिन इसके खिलाफ हम सब लोग थे। हम बराबर रोमान स्क्रिप्ट चाहते थे, अभी रोमान स्क्रिप्ट में ही होना चाहिए, लेकिन रोमान स्क्रिप्ट और जो भी स्क्रिप्ट है पहले स्टेट गवर्नमेंट को ये तय करना पड़ेगा, उसको एडप्ट करना पड़ेगा, फिर ये भाषा चालू होना शुरू होगा। क्योंकि अभी परीक्षा अगर ये लोग रोमान स्क्रिप्ट में ठीक है, ये स्क्रिप्ट तय नहीं होने से उनको रिजल्ट ये क्या करेगा, उनको सारे को सारे फेल करा देगा। क्योंकि अभी तक तो रोमान स्क्रिप्ट जो भी है वो स्क्रिप्ट फाइनल नहीं हुआ, कैसे होगा? तो मांग लेके जो ये लोग चल रहा है रोमान स्क्रिप्ट के बारे में हम लोगों का पूरी ये सपोर्ट है। पर अभी जो रोड ब्लॉकेट होता है अगर चाहिए सरकार को, अभी सरकार को सबको बुला के बात करके ये फाइनल करना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्यों उनको मूवमेंट में धकेल दिया जाए, उन लोगों को ये बुला के उन लोगों से बात करके ये तय करना चाहिए। ये बहुत दिनों का बात हो गया, अभी ये सेटल होना चाहिए। बट देर वॉज ए ऑप्शन टिल लास्ट ईयर, रोमन में भी लिख सकते थे, बंगला में भी लिख सकते थे, अचानक ये जो बोल दिया कि नहीं ऑप्शन नहीं रहेगा, तो क्या नहीं लगता है कि इससे एक अचानक ट्राइबल लोगों में एक एंग्जाइटी भी होगा? स्टूडेंट ये सरकार हर तरह से फेल्यूर है, ये सरकार किसी भी इशू पे ठीक से ध्यान नहीं देता है, बराबर ये सरकार इसको बैकपासिंग करके ये लोग चल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार के जिम्मेदारी उठाना है और जो भी बात है वो सामने रख के फाइनल करना चाहिए। माई लास्ट क्वेश्चन इज MGN रेगाले के जो ककबरक लैंग्वेज में जो पहले लास्ट ईयर तक ये एग्ज़ाम दे सकते थे स्टूडेंट, दे हैड ए ऑप्शन इधर बंगाली या रोमन यानी कि अंग्रेजी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते, तो आज एक परिस्थिति हुई और अपोजिशन तिप्रा मोथा के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इनडेफिनेट रोड एंड रेलवे ब्लॉकेट किए हैं, तो ये परिस्थिति